असलकम स्टूडेंट्स माय नेम इज़ बाबर गुलाब एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर ऑफ ग्रेड नाइन्थ टुडे वी विल डिस्कस एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स द वाइट बोर्ड स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है किस तरह से इसमें मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या डिफरेंट आइन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है क्या इसमें अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या एनर्जी यूटिलाइज होती है या नहीं क्या ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है या नहीं तो इन क्वेश्चंस को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे स्टूडेंट्स अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फिल्ट्रेशन की हमने कहा था कि फ़िल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ब्लड कैपलरीज़ की जो सेल में ब्रेन है उसके थ्रू फिल्टर किया जाता है और ईच एंड एवरी सेल तक जो कि टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं उन तक उन मॉलिक्यूल्स को पहुंचाया जाता है अब अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें तो हम कहते हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इज़ द मोमेंट Of molecules from an area of low concentration or lower concentration to the area of हायर कंसनट्रेशन स्टूडेंट्स इससे पहले हमने डिफ्यूजन की बात की हमने फिल्ट्रेशन की बात की हमने ऑस्मोसिस की बात की तो उसमें हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स को मूव किया जाता है हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें उनके बिल्कुल ऑपोजिट है इसमें मॉलिक्यूल्स को मूव किया जाता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन यानी जहां पर मॉलिक्यूल्स की पहले ही अमाउंट ज्यादा है वहां पर और ज्यादा मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो अब ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट है हम कहते हैं अगेंस्ट दंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अब चूंकि इसमें मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडिएंट ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो इसमें हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होगी हम कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब यहाँ तक स्टूडेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन और हमने ये भी देख लिया कि अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है इसमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है अब हम देखते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल कि हमारी बॉडी में कौन से सेल्स जो हैं वो किस तरह से या किन मॉलिक्यूल्स को या आइंस को जो है अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है नर्व सेल की अगर एक नर्व सेल को ब्रीफली हम देखें तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लाइक like, ये हमारे पास जो रूट हेयर्स लाइक इसमें स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स ये जो इसका स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक्सों का और ये जो एक्स है इनकी सराउंडिंग में एक कवरिंग प्रेजेंट होती है मोस्ट अगर यहां पर हम देखें इस तरह से तो इस कवरिंग को हम कहते हैं माइलिन शीत और लास्ट पे जो है इसके ये इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स अब ये जो हमारी बॉडी में नर्व सेल्स हैं, इनका फंक्शन क्या है फंक्शन की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं दे ट्रांसपोर्ट और ये दे ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अब जो नर्व इम्पल्स है ये क्या है ये एक मैसेज होता है जिसको कन्वे किया जाता है किससे हम कहते हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स टू ब्रेन या फिर ब्रेन से इफेक्टर्स तक दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास अब इन शॉर्ट यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि अब ये जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है ये किस फॉर्म में किया जा रहा इस है इसमें डिफरेंट जो चार्जेस हैं इस नर्व सेल की मेम्ब्रेन में उनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है रेस्टिंग स्टेज में जब मैसेज कन्वे नहीं किया जा रहा तो इसमें जो इनसाइड और आउटसाइड चार्जेस हैं उनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है द अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अब हम इमेज के हाल से देखते हैं कि किस तरह से नाव सेल्स जो हैं इनमें डिफरेंट आइंस की जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है स्टूडेंट्स ये हमारे पास मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है अगर इसमें हम देखें तो हमें प्रोटीन्स नज़र आती हैं साथ ही साथ हमारे पास क्या है लिपिड बाई अब ये जो प्रोटीन्स हैं इसमें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक्टिवली डिफरेंट आइंस को अगर रेस्टिंग स्टेज में हम बात करें कि जब नर्विम्पस कंडक्ट नहीं हो रही तो रेस्टिंग स्टेज में हम कहते हैं कि जो सेल में ब्रेन है नर्व सेल्स की वो क्या करती है वो आइंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाती है अब ये आइंस कहां होंगे यहाँ सेल की आउटसाइड और इनसाइड अगर हम देखें यह हमारे पास आउटसाइड है और ये इनसाइड है अब बाहर जो है सोडियम प्रेजेंट होते हैं साथ ही साथ यहाँ पर पोटेशियम आइंस भी प्रेजेंट होते हैं इनसाइड भी अगर बात करें तो हमें यहाँ पर भी पोटेशियम और सोडियम आइंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं और सोडियम आइंस भी अब सेल में ब्रेन में ये जो प्रोटीन्स हैं इनको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स और ये जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पम्प अब इन सोडियम पोटाशियम पंप्स ने करना क्या है कि जो पोटाशियम आइन्स हैं इनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना है इनसाइड द सेल और जो सोडियम्स हैं इनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना है आउटसाइड द सेल सोडियम जो हैं इनको पंप किया जाएगा आउटसाइड जबकि इनकी ऑलरेडी जो है आउटसाइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो पोटेशियम्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनसाइड द सेल जबकि ऑलरेडी इनकी जो कंसंट्रेशन है वो इनसाइड द सेल ज़्यादा है तो अब जैसे ही इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लाइक अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें कि ये जो पोटाशियम्स हैं इनको इनसाइड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और जो हमारे पास सोडियम आइंस हैं इनको आउटसाइड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अब आप देखें कि सोडियम और पोटाशियम को उस तरफ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है जहाँ पर ऑलरेडी उनकी कंसनट्रेशन क्या है ज़्यादा है तो अब इस प्रोसेस के लिए क्या चीज़ रिक्वायर होती है हम कहते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी अब ये ए टी पी क्या है स्टूडेंट्स ए टी पी के स्ट्रक्चर से आप फेमिलियर हैं इसको डिटेल में आप चैप्टर नंबर सेवन में भी स्टडी करेंगे ए को हम इन शॉर्ट कहते हैं कि ये एनर्जी क्रंसी ऑफ द सेल है और अगर इसका कंप्लीट नाम देखा जाए तो इसको हम कहते हैं एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट ए एटीपी क्या करती है प्रोवाइड एनर्जी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं उनके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो ये ए करती है तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो सोडियम पोटेशियम पंप्स हैं ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम और पोटेशियम आइंस को इन द सेल ब्रेन ऑफ़ नर्व सेल्स जिनको हमने कहा कि नर्व सेल्स का काम क्या है कोऑर्डिनेशन में हेल्प करना है ये नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं रिसेप्टर से ब्रेन तक या ब्रेन से इफेक्टर्स तक तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन किया वो कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमने कहा कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन किया नर्व सेल्स को कि किस तरह से जो नर्व सेल्स हैं उनमें सोडियम और पोटाशियम आइंस को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन्स तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन किया आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज